नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों को क्लासी मार्केट में। तो चलिए देखते हैं मंडे के दिन हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या लेवल रहना चाहिए एंड क्या ट्रेडिंग प्लान रहना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो में बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। मंडे के दिन कहाँ पे ट्रेंडिंग हो सकता है मार्केट, ऑप्शन चेन का एनालिसिस करेंगे दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी का एक बहुत अच्छा पॉइंट बताऊंगा आपको, ऑप्शन चेन के हिसाब से क्या चेंजेस आ चुका है, बड़े प्लेयर कहाँ पे पोजिशन बना के गए हैं, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को यार अगर 1000 लाइक आ जाए ना तो डेफिनेटली मैं ऑप्शन चेन एनालिसिस वाला वीडियो फ्री में यूट्यूब पर अपलोड करने वाला हूं। तो यार वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, और अगर आपने अभी तक मेरे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल क्लासी मार्केट ज्वाइन नहीं किए जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन लिंक है क्लिक करके पहले अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों कल जो लेवल दिया था आप देख सकते हैं स्टूडेंट लोग 15,000 प्रॉफिट, 20,000 प्रॉफिट, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट किए। इवन आज भी दोस्तों लाइव मार्केट में ना फ्री में मैं सब कुछ देता हूं, आप क्लियर कट देख सकते हैं, लेवल वगैरह, ऑप्शन चेन का एनालिसिस वगैरह, निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी का भी ऑप्शन चेन एनालिसिस लाइव मार्केट में मिल जाए फ्री में। और क्या चाहिए आपको मार्केट का डायरेक्शन सब कुछ वगैरह ड्रॉ करके लेवल वगैरह देता हूं, 200-300 पॉइंट मोमेंटम देते हैं। आज भी दोस्तों जो लेवल दिया था आप देख सकते हैं 5000 प्रॉफिट, 10,000 प्रॉफिट, बहुत अच्छा खासा स्टूडेंट लोगों ने अर्न किया। तो जाइए पहले ज्वाइन कर लीजिए, सच में बोल रहा हूं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और अगर अच्छा नहीं लगा तो लीव कर देना, बट पहले आप ज्वाइन करके जाइए, देखिए क्या मैं डालता हूं लाइव मार्केट में, क्या एनालिसिस रहता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस, ठीक है। वीडियो को अगेन मैं बोलना चाहता हूं कमेंट कर दो यार कैसा लगा आज का लेवल एनालिसिस एंड ऑप्शन चेन का एनालिसिस करेंगे, तो इसके लिए तो वेट करो यार वीडियो का पूरे देखो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी में हम सेल कब कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मंडे के दिन अगर समझ लीजिए निफ्टी फ्लैट या फिर थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो गया, 17,462 के नीचे अगर प्राइस एक्शन बनने लग गया आराम से आप सेल कर सकते हैं। इसका रीजन क्या है, देखिए सिंपल सी बात है, अगर 17,462 को अगर आप देखो दोस्तों तो आज के लिए एक सपोर्ट है, आप क्लियर कट देख सकते हैं, आज के दिन एक सपोर्ट था 17,462, क्योंकि मार्केट नीचे आया लेकिन यहां से फिर ऊपर चला गया, राइट। तो 17,462 के नीचे अगर आना चालू कर दिया आराम से आप सेल कर सकते हैं। ऑप्शन चेन के हिसाब से ना दोस्तों इंटरेस्टिंग एक डाटा बन रहा है निफ्टी में, मैं आपको बताऊंगा अभी, आप वीडियो को देखिए। पहले प्राइस एक्शन के हिसाब से समझ जाते हैं सेल कब करना है, अगर फ्लैट या फिर थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हुआ 17,462 के नीचे सेल करना है, पॉइंट आपको समझ में आ गया, बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है। टारगेट आप रख सकते हैं 17,269 तक, क्योंकि दोस्तों देखिए यहां कोई भी और मतलब स्पेस नहीं है, अगर इसके नीचे निकलता है ना अच्छा खासा सेलिंग आ सकता है 17,269 तक, क्योंकि 17,269 पे ही एक सपोर्ट है, तो यहां पे ही निफ्टी रुक सकता है, ठीक है। तो पॉइंट आपको समझ में आ गया, बाइंग कब करना है। देखिए दोस्तों अगर जेन्युइनली बोलूं एक अच्छा खासा सेफ बाइंग बनता है हमारा 17,629 के ऊपर ही आपका एक सेफ बाइंग बनता है, अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसका रीजन मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ऑप्शन चेन के हिसाब से कहां पे सपोर्ट रीजन बन रहा है, प्राइस पहले समझ जाते हैं। 17,629 अगर आप देखो दोस्तों तो आज के दिन के लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हैं निफ्टी ओपन हुआ नीचे आया फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, इसी प्लेस से निफ्टी कहीं ना कहीं नीचे गिर गया, राइट। तो 17,629 के ऊपर आपको बाइंग करना है, पॉइंट आपको समझ में आ गया कि हां भाई एक छोटा सा रेजिस्टेंस है इसके ऊपर जाना है तो आप बाय कर सकते हैं। रिस्की प्लेयर के लिए 17,573 के ऊपर आप आराम से बाइंग कर सकते हैं अगर आप रिस्की प्लेयर है। इसका रीजन भी बड़ा सिंपल सा है, आप देख सकते हैं एक डबल टॉप बनाया निफ्टी, आप देख सकते हैं इसी लेवल के आसपास निफ्टी नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, तो ये छोटा सा रेजिस्टेंस है 17,573, तो इसके ऊपर बाइंग करना रिस्की रहेगा, बट 17,629 के ऊपर आराम से आप बाइंग कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं ऑप्शन चेन के हिसाब से क्या बनता है, हम आ चुके हैं दोस्तों निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। ये है कॉल राइटर और ये है पुट राइटर, राइट। तो सिंपल सी बात है, कॉल राइटर क्या क्रिएट करते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट राइटर हमारा सपोर्ट क्रिएट करते हैं, और निफ्टी कहीं क्लोज हुआ है 17,500 पे, ठीक है। अगर आप देखो दोस्तों मैं क्यों आपको बोल रहा था 17,600 के ऊपर सेफ बाइंग बनता है, देखिए 17,500 का जो लेवल है, कॉल राइटर 18 लाख प्लस कॉल राइटर आज एड हुए हैं, इसका मीनिंग ये है कि वो चाहते हैं मार्केट यहां से नीचे जाए। पुट राइटर को भी आप देख लो 17 लाख प्लस पुट राइटर आज एड हुए हैं, तो सिंपल सी बात है यहां पे फाइट होने वाले 17,500 पे दोस्तों। कॉल राइटर चाह रहे हैं कि मार्केट नीचे चले जाए, पुट राइटर चाह रहे हैं कि ये 17,500 से मार्केट ऊपर चला जाए, लेकिन दोस्तों 17,600 रेजिस्टेंस जो मैं बोल रहा था 26 लाख प्लस ऑप्शन चेन के हिसाब से आप देख सकते हैं यहां पे बढ़ चुका है, तो आप क्लियर कट देख सकते हैं जो मैं आपको बोल रहा था 17,600 के ऊपर ही आपको बाइंग करना है, एक सेफ बाइंग बनेगा, कॉल राइटर यहां पे बैठे हैं दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। और दोस्तों 17,400 लेवल को आप देखिए, पुट को आप देखिए दोस्तों 17,400 लेवल, 17 लाख प्लस ओआई पुट साइड एड हुए हैं, तो सिंपल सी बात है
मंडे के लिए प्लानिंग पूरा भी आपके माइंड में क्लियर हो गया कि 17,462 ब्रेक किया तो 50-60 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, बट 17,400 से अभी मैंने आपको बताया 17 लाख प्लस पुट बढ़ चुका है, उसके नीचे गया सीधे आपको 100-200 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो पॉइंट आपको समझ में आ गया, कॉल का भी आपको समझ में आ गया, होप सो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अब चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं प्रॉमिस किया हूँ डेफिनेटली मैं ऑप्शन चेन का एनालिसिस का वीडियो आपके लिए बना दूंगा अगर 1K लाइक आ गया तो वीडियो को। ठीक है, तो चलिए अगर आप बैंक निफ्टी में देखो दोस्तों, तो बैंक निफ्टी को बाय और सेल कब कर सकते हैं, देखिए मंडे के दिन पहले सेलिंग का देख लेते हैं। मंडे के दिन अगर बैंक निफ्टी फ्लैट है, फिर गैप डाउन ओपनिंग हुआ 38,562 के नीचे प्राइस एक्शन बनने लग गया, आराम से आप सेल कर सकते हैं बिना सोच के। क्यों मैं बोल रहा हूं, देखिए 17,562 लेवल आपके माइंड में रह गया, इसका रीजन क्या है। देखिए दोस्तों, ये ग्रीन कलर का ट्रेंड लाइन देख पा रहे हैं, क्लियर कट में ड्रॉ किया हूं, ये ग्रीन कलर का अगर आप ट्रेंड लाइन देखोगे तो बैंक निफ्टी बार बार इसी ग्रीन कलर का ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहा है। यहां से बैंक निफ्टी ऊपर गया, फिर घूम के आया, एग्जैक्टली इसी ग्रीन ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया, फिर घूम के ऊपर चला गया, एंड दोस्तों आज जाके आप देख सकते हैं इसी ट्रेंड लाइन के आसपास फाइनली बैंक निफ्टी आया, जो कि मैं लाइव मार्केट में बताया था। क्लियर कट देखिए, ऐसे नहीं कि सब कुछ मैं अपडेट देता हूं दोस्तों, फ्री वाले ग्रुप पे आप देख सकते हैं, लाइव मार्केट में आज के दिन आप खुद देखिए, मैं दोस्तों ग्रीन कलर का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताया था कि देखो यहां पे बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं ये देखिए, और यहां से बैंक निफ्टी ऊपर चला गया, तो क्या चाहिए। तो देखिए यही मैं डिस्कस कर रहा था आपको, मैंने ट्रेंड लाइन का समझ गया आप, कहीं ना कहीं ग्रीन कलर का एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है बैंक निफ्टी। तो अगर मंडे के दिन फ्लैट है, फिर गैप डाउन ओपनिंग होता है थोड़ा सा, तो ये ग्रीन कलर का ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक करेगा दोस्तों क्या होगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा। और दोस्तों 38,562 क्या है, आज का दिन का लो है जो कि सपोर्ट की जैसा काम करेगा। तो हमारे लिए दो कंडीशन है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, ट्रेंड वीक हो चुका है और सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है, और क्या चाहिए दोस्तों, 300-400 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है अगर 38,562 ब्रेक किया तो। रीजन आपको समझ में आ गया, ऑप्शन चेन के हिसाब से भी देखेंगे। ठीक है, बाइंग कब करना है, बाइंग का भी नहीं सोचना है, 39,550 के ऊपर अगर निकलता है प्राइस सेक्शन बनता है तो ही आपको बाइंग करना है, 200-300 पॉइंट का टारगेट देखने को मिल सकता है। अब ये रीजन मैं क्यों बता रहा हूं 39,055, देखिए दोस्तों आज के दिन अगर आप देखो तो आज के लिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस आप बोल सकते हैं, क्लियर कट पॉइंट आपको समझ में आ गया, बैंक निफ्टी ओपन तो हुआ, ऊपर गया, घूम गया, इसी रेजिस्टेंस को टच किया, देन नीचे आ गया, राइट। तो पहला पॉइंट क्या है कि कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बन चुका है 39,055 पे। अब अगर आप ट्रेंड लाइन देखो, सॉरी अगर ड्रॉइंग खराब हुआ तो, अगर ट्रेंड लाइन देखो, एक रेड कलर का मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हूं, आप क्लियर कट देख सकते हैं, प्राइस ई ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है, नीचे आया, फिर ऊपर गया, टच किया, नीचे आ गया, आप क्लियर कट देख सकते हैं, तो एक ग्रीन रेड कलर का ट्रेंड लाइन है। तो पॉइंट आपको प्राइस सेक्शन के हिसाब समझ में आ गया कि अच्छा ये रेजिस्टेंस है, और ऊपर से अगर आप देखो तो ये ट्रेंड लाइन भी मंडे के दिन क्या होगा, अगर कहीं ना कहीं फ्लैट या फिर गैप अप ओपनिंग हुआ तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा और रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करेगा तो जाके अपसाइड का मूव दे सकता है। अब आ जाते हैं ऑप्शन चेन पे, देखिए दोस्तों ऑप्शन चेन आ चुके हैं, कॉल के साइड हमारे रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, और बैंक निफ्टी जो बंद हुआ है 38,735 के आसपास बंद हुआ है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 38,700 के आसपास बंद हुआ है, तो 39,000 कॉल राइटर आप खुद देख लीजिए 12 लाख प्लस आज के दिन एड हुए हैं, तो सिंपल सी बात है 39,000 मंडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है रेजिस्टेंस की जैसा, क्योंकि आज 12 लाख प्लस कॉल राइटर एड हुए हैं, उसके बाद कुछ भी कॉल राइटर नहीं है, लेकिन इसी 39,000 के लेवल पे ही आज के दिन कॉल राइटर एड हुए हैं, तो 39,000 लेवल रेजिस्टेंस है मंडे के लिए। ठीक है, अब आप जाते हैं सपोर्ट पे, देखिए दोस्तों सपोर्ट अगर आप बोलो ना तो ये देखो आप पुट राइटर अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं इतना स्ट्रांग नजर नहीं आ रहे 2 लाख 3 लाख 2 लाख, तो डाउन साइड में इतना पुट राइटर स्ट्रांग नहीं आ रहे हैं, बट एक ही सपोर्ट है, वो क्या है 38,500 आप देखिए, और आज 6 लाख प्लस ओपन इंटरेस्ट बढ़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो कॉल राइटर क्या है 12 लाख, पुट राइटर 6 लाख, सिंपल सी बात है, कॉल राइटर ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, पुट राइटर तो कम है, तो 6 लाख समथिंग 38,500 पे, जो कि छोटा मोटा रेजिस्टेंस की जैसा काम करेगा, छोटा मोटा सपोर्ट की जैसा काम करेगा। तो दोस्तों 38,500 के नीचे आते हैं ऑप्शन जन के हिसाब से भी, तो डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। होप सो दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो यार, कमेंट दो कैसा लगता है एनालिसिस वगैरह, एंड दोस्तों जाइए फ्री टेलीग्राम चैनल क्लासी मार्केट में ज्वाइन कर लीजिए, अपने मम्मी पापा को बहुत सारे प्यार दीजिए दोस्तों, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।